नवभारत एक बहुत बड़ा आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसके आज तक किसी भी पब्लिकेशन हाउस ने नहीं किया था। पूरे बिलासपुर के जितने स्कूल्स हैं और कॉलेजेस के साइंस मेगा मॉडल एग्जीबिशन, जिसमें लगभग 50 स्कूल हैं जो अपने मॉडल यहाँ प्रेजेंट कर रही है और लगभग 8 कॉलेजेस हैं जो अपने मॉडल्स यहाँ प्रेजेंट कर रही है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। हमारे साथ FM ग्रुप है जो हमारा काफ़ी बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। इनका एक कम्युनिटी ग्रुप भी है जिनका कोचिंग क्लासेस चलता है, बच्चे जरूर उस पर जाएँ। मोहन नाम ओंकार देवांगन है, मैं कक्षा 6वीं से आए हूँ। वो स्कूल के नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भतराई है। ए लड़का से बात करके मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगी से कि अपन जो संस्कृति है एला बहुत सहेज के रखे है बा। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। ए प्रोजेक्ट के नाम है मॉडल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। ए प्रोजेक्ट मामा हमन बताबो कि ये प्रोजेक्ट में प्रदूषण ला कैसे रोक सकते हैं। हमारी बिलासपुर सिटी के लिए किस प्रकार से वैल्यूएबल है? जी, ये हमारे बिलासपुर सिटी के लिए बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि हम इस सिटी के थ्रू इस प्लान के थ्रू बता रहे हैं कि पूरे जो सिटीज का जो वेस्ट है उसको हमको डंप करने का जरूरत नहीं है, उसको हम कम्प्लीटली पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं इस प्लान के थ्रू। हम कि बच्चों ने खुद से ऑटो किया और मुझे फ़ोन करके बताया कि मैडम हमने ऑटो की अरेंज कर लिए, जाना ही है। अब मैं इनको देख कि मैं सारी रात सो भी नहीं, सर कैसे लेके जाऊँ मैं बच्चों को अरेंज। अब ऑटो की व्यवस्था बच्चे कर ही लिए हैं तो मुझे तो जाना ही है, चाहे स्कूल में कुछ भी हो मुझे बच्चों को लेके जाए। वाटर में आपका प्लास्टिक अगर वेस्ट हम डाल रहे तो वाटर पोल्यूशन, तो किस तरीके से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो सर हमें गवर्नमेंट भी जितना कर रहा है, हमें जो इंसान है ह्यूमंस हम सबको भी उतना ही सहयोग देना चाहिए, इतना ही हेल्प करना चाहिए, तो जाकर ये सारी चीज़ें कम होने लगेंगी। मैम, फार्मेसी ने कोरोना के ड्यूरेशन में हमारे सिविल सर्वेंट्स की बहुत मदद की है, किस तरीके से देखती हैं आप इसको? सर ये ब्रांच बहुत ही स्ट्रांग है। जब कोविड टाइम पे सब शॉप बंद थी तो फार्मेसी ही डिपार्टमेंट था जो एनी टाइम वर्क कर रहा था डे एंड नाइट, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। द ट्रीज के नॉट हैंडल दैट मच पॉल्यूशन एंड फॉर द पीपल सेफ्टी लिविंग नियर बाय दिस इज द पॉल्यूशन अलार्म व्हिच आई मेड। कोई भी दो कारक का नाम बताएं, दो फैक्टर के बारे में बताएं कि किसके कारण वायु प्रदूषण होता है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसके कारण वायु प्रदूषण होता है, और चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल सही, इनका भी आंसर सही है। जो आपका वाटर प्यूरीफायर है, ये विलेजेस में जैसे जो लोग हैं जो वाटर प्यूरीफायर नहीं अफोर्ड कर सकते, कैन दे यूज इट? यस डायरेक्टली डेफिनेटली, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल नेचुरल मटेरियल। यस सर, आइटम्स जो हैं वो आपने यूज किए हैं जो बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज होते हैं? यस सर, ये हमने आयुर्वेद से ही निकाला है। अगर ऑफलाइन अवेलेबल है, सारी वहाँ फैसिलिटीज हैं, तो ऑनलाइन की ज़रूरत है या नहीं है? पर फिर भी ऑनलाइन का एक ज़रूरत रहता है सर। सन से दो रेज आते हैं, ठीक, तो उसमें से जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो किसके माध्यम से रुक जाता है हमारे एटमोसफेयर में, जो अर्थ पे नहीं पहुंचता है? समझ में आया क्वेश्चन? बताइए आंसर पता है? ओजोन लेयर। सही आंसर है इनका। ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूरिया को फिल्टर करता है? तो इसका आंसर आप दीजिए। The organ which filters the urea is kidney. बिल्कुल सही। क्या काम करता है ओजोन परत? ओजोन सूर्य की पराबैंगनी को रोकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है, बिल्कुल सही। वो उस टेक्नोलॉजी का नाम जो आजकल फार्मर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें हम केवल, हमको सॉइल की जरूरत नहीं है उसमें, हम केवल वाटर में ही, ठीक, उस पर हम प्लांट लगा सकते हैं, ठीक, और वहीं से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो उस मतलब टेक्नोलॉजी का नाम बताना है आपको। दैट्स टिश्यू कल्चर। हमर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में एक ऐसे फैकल्टी जो छत्तीसगढ़ के बारे में चप्पा चप्पा के खबर रखती, तो मैं कोमल सर से पूछूं कि राउत नाचा के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शक मन लगे। राउत नाचा वो नाचा है, जी हाँ, एक जन सबसे प्यारा और दुलारा एक जन भाटा रही से, नाम रही से ओकर की सर कृष्ण भगवान रही से, और ओकरे एक जन पापी मामा रही से, और जब अपन मामा ना निपटाई से तो ओला निपटाए खुशी में, जब वो नाचे कूदे चालू करी से, और ओला देख के जब भगवान श्री कृष्ण नाचे धरी कूदे धरी से जैसे लड़का मन है अभी नाची और कूदी, तो जब ओला देख के पूरा सब के सब प्रेरित हुई से, और एक नाच के एक कला के जो का हुई से उद्धरण हुई से, उही नाचा ना कहे जाते छत्तीसगढ़ में राउत नाचा। हाथ कर ले साधु का भैया, भोजन कर ले।
ओवरऑल ब्रिंग्स दी सैनिटी इन आर बॉडी। आयुर्वेदा जो रहता है वो जड़ से ही उस बीमारी को निकालता है, इसीलिए आयुर्वेद विद आयुर्वेदा। अगर कैंसर है, अगर कैंसर का इलाज है क्या आयुर्वेद? सर कैंसर इलाज तो है बट वो आयुर्वेदा लिटिल लॉन्ग प्रोसेस। कोविड के इलाज की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं थी, पर हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ली, बहुत सारे काढ़ा लिए, विटामिन सी इनरिच फूड खाया जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। जब हम लोग का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, उस टाइम पर हम लोग आयुर्वेदा का हेल्प नहीं ले सकते, हम लोग को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। ब्लीडिंग हो रहा है, हम लोग तुरंत एलोपैथी ट्रीटमेंट देंगे, तो एलोपैथी इज़ बेटर देन आयुर्वेदा। अब कैंसर उनको पता है बट वो उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम एलोपैथी में उसका उसके ऊपर कीमोथेरेपी देके सीधा उसका हम जड़ से खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, 90% तक पूरा उसको खत्म किया जा सकता है। पर बताएंगे कि डेवलपमेंट होना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए प्लीज? सर एज एन इंजीनियर, माय नेम इज आदित्य सिंह फ्रॉम एलसीआईटी कॉलेज, फाइनल ईयर स्टूडेंट। हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, फ्लड कंट्रोल की वजह से भी होना चाहिए, और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी है उसके वजह से भी, और ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि लॉन्ग टाइम तक यूज हो सकता है इस पर्पस से। सर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि सर कोल जो है एक डिमोलिश होते जा रहा है टाइम टू टाइम, एक ये फॉसिल फ्यूल है सर। एट फ्यूचर जब हमारे पास कोल नहीं रहेगा तो हमारे पास सिर्फ एक वाटर ही सोर्स रहेगा जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक सोर्स हो सकता है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। आप भी उसके फेवर में है कि होना चाहिए, राइट? माय नेम इज शेषा चौधरी, आई एम फ्रॉम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, एंड मैं लास्ट जेम्स का कंस्ट्रक्शन के वजह से पीपल मतलब कि अर्थ सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण अर्थक्वेक्स आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और फ्लड्स भी आ सकते हैं, तो ये हमें डैमेज कॉज करते हैं। यस सर, सर जैसे इसके वजह से सर डिस्प्लेस होना पड़ता है सर, जैसे जहाँ डैम बनता है वहाँ के पास के गाँव वालों को सर वहाँ से खाली करवा के दूसरे जगह शिफ्ट कराते हैं सर। तो एज एन कॉम्पिटिशन कम्युनिटी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग के बाद मेरी अभी कुछ बात हो रही थी इनसे, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो MBA करना चाहते हैं, कुछ सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए एज एन इंजीनियर आप डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, एज एन सिविल सर्वेंट ये डिस्प्लेसमेंट कंसर्न कर रहे हैं, सामने बैठ भी सकते हैं। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि एक प्रॉपर रणनीति बनाते हुए हम ऐसे विकास की तरफ आगे बढ़े जो न सिर्फ डेवलपमेंट को पॉसिबल करे बल्कि डिस्प्लेसमेंट के भी होने वाले जो दुष्प्रचार होते हैं या फिर दुष्प्रभाव होते हैं उसको भी वो हटा सके। हम पहले ऑफलाइन के बारे में समझते हैं। सर माई सेल्फ अंजलि तिवारी। सर ऑफलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हमें वो एक्टिव रखता है, हम लोग फिजिकल अट्रैक्शन कर सकते हैं टीचर से फ्रॉम फेस टू फेस, हमें वो बहुत एक्चुअली में जो डाउट्स वगैरह रहते हैं मेनली ऑनलाइन में ये होता है कि अगर गलती से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग ऑनलाइन फिर अच्छे से उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, या कुछ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया तो फिर ऑनलाइन इस चीज़ में पीछे है, ऑफलाइन में हम लोग सीधा डिसिप्लिन तरीके से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। So I think offline is better than online for this point. Myself Saina Panda, और offline online से इसलिए better है क्योंकि physical activities online में बहुत गिर जाती है। हम मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज़ देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अच्छी अच्छी चीज़। अच्छी अच्छी चीज़, अच्छा जैसे? जैसे कि वीडियो देख सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं। हम मोबाइल से किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं और हम मोबाइल से कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे? जैसे कि अगर हमें किसी दूसरे देश की जानकारी प्राप्त करना हो, जैसे कि कई लोग रशिया में रहते हैं, उनका रहन सहन और आदि चीज़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे रोने लग जाते हैं फिर माता पिता उन्हें वापस मोबाइल थमा देता है, जिनकी
की वजह से बच्चों को बहुत बुरी लत लग जाती है। मोबाइल से निकले हुए किरणें से हमारी आंखें खराब हो सकती है। मोबाइल ज़्यादा देर देखने से और घर में बैठे रहने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हमारे साथ जो मौजूद है भारत से संजय सर, मैं सर इनवाइट करना चाहूँगा सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है आपके मंच में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे लगा थे आप लोग हमारे साथ में एसोसिएट हो। मैं तो कह रहा था कि मेरा तो माया हो गया अपने मुल्क में। अच्छा बढ़िया कार्यक्रम हमारे संग में मिलके एफएम ग्रुप करा थे ओकर बाद बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई मान लो बहुत तो नहीं गाढ़ा गाढ़ा बधाई कहा था। आगे हम आओ ऐसे कार्यक्रम करबो और ये उम्मीद करा था कि एफएम ग्रुप हमारे साथ हमेशा बने रही आज नहीं साल दर साल और दोनों मिलकर सभी चीज़ें प्रमोट करबो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी सौभाग्य की बात है कि हमने आपके साथ एसोसिएट होके अतेक बड़ा प्रोग्राम करा था। हमारे खुद दिल से ही बहुत अच्छा लगा थे कि लड़का मन के बीच में हम जाके ओकर विचार ला जाना था कि मन का सोचा थे का ओकर फ्यूचर है का ओकर करियर है कैसे हुई। जी, निश्चित रूप से समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जी और हमारे जो यहाँ पर काम करने वाले सब यदि इस भावना को रखे जैसा आपने भी इस भावना को रखा है तो मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक रूप से कम उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, इनको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं यदि आगे बढ़ूंगा तो उसमें आर्थिक रूप से जो मुझे संकट आ रही है रुकावट आ रही है ये यदि उनके ध्यान से हट जाए तो मैं समझता हूँ और बहुत कुछ कर सकते हैं वो। मैं बधाई देता हूँ, ऐसी संस्था शहर में काम कर रही है और आप सफलतापूर्वक काम करें, हम लोग की शुभकामनाएँ हैं। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी है उसके द्वारा जो दी जा रही सुविधाएं हैं उनका सभी बच्चों को लाभ लेना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें। कम्युनिटी के सभी साथियों को मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ा बहुत आते रहा सर, एक्चुअली दे आर मॉडर्न स्टूडेंट्स, दे डोंट लाइक टू टॉक इन छत्तीसगढ़ी। अभी ही हमारी कमजोरी है कि हम छत्तीसगढ़ी में बात करे में शर्माता है, तो ये कमजोरी कैसे दूर होगी, हमारे बात करे पड़ी बाहर आए पड़ी। कहा जब बिहार में जाऊँ तो बिहारी बोले में मन नहीं शर्माए, महाराष्ट्र में जाऊँ तो मराठी बोले मन नहीं शर्माए, फिर हम छत्तीसगढ़ी होकर कहा शर्माता तेला हम खुद नहीं जाना। कोई भी देश होते होकर उसने भेज तो अगर कोई राज्य है तो कर एक भाषा रही थे वही भाषा होकर संस्कृति छत्तीसगढ़ यहाँ जो भाषा है बोली है रावण की छत्तीसगढ़ी, ये जो राज्य है एक अभी कौन सा जन्मदिन मनाती से जे रावण की था राज्योत्सव कितना नंबर करी से कितना काम करी से कितना नंबर के बर्थडे मनाया और बर्थडे जाना चाहिए एकदम सही जवाब। छत्तीसगढ़ की खास बात, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जगह है धार्मिक जगह और वहाँ में हमारे पूजा पाठ के एक जो भोग लगते जो जगन्नाथपुरी के वो एक भोग वहाँ लगता है, पता नहीं आप मतलब मालूम है कि नहीं, पर ये सही है। मैडम एकदम सही कहा थे का पर की जब राजीव छत्तीसगढ़ के प्रयाग ऐसे प्रयाग है जहाँ तीन नदी संगम होते, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के गंगा जिला कहे जाते महानदी, दूसरा रालेश्वर और तीसरा एक नदी थी पहली, और वो तीनों के जो संगम स्थल है वहाँ एक महादेव का वो महादेव नाम है फुलेश्वर महादेव, वही महादेव में आपका मूर्ति प्रिय प्रसाद और वहीं पे जो जगन्नाथपुरी में आपका जो भोग चढ़ाया जाता है वो भोग कुआ भी चढ़ाया जाता है। हम लोग भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यही काम कर रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे हैं जिनको जिनके पेरेंट्स उनको बहुत दूर नहीं भेज सकते हैं ड्यू टू द मनी एंड ऑल, सो वी कैन प्रोवाइड देम गाइडेंस फॉर द
सिविल सर्विस, जिस लगन के साथ सब काम कर रहे हो ना, कंटिन्यू रखोगे तो डेफिनेटली यू कैन बी अ कलेक्टर। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद एफएम ग्रुप कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से। साथ ही साथ जितने भी साइंस एग्जीबिशन में स्कूल्स आए हुए हैं, कॉलेज आए हुए हैं, सभी की तरफ से हम नव भारत ग्रुप को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसा वो मौका होता है, ऐसी वो अपॉर्चुनिटी होती है जो कि छात्रों को अपने स्कूल कॉलेज से बाहर निकल कर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देती है। छात्रों और साथ ही साथ उनके अभिभावक, साथ ही साथ उनके टीचर, जो लोग भी आए हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एफएम ग्रुप कंपटीशन कम्युनिटी लगातार 4 दिन आपके साथ इस एग्जीबिशन में बना हुआ है और लगातार ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, इंटरटेनिंग कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का संशय हो, अपने करियर को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, तो आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। धन्यवाद।